सानिया बेटा पानी तो पिला दो। अरे कहाँ रह गए थे आप? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। क्यों? क्या हो गया? क्यों? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई पैसे चाहिए, खरीदारी करने के लिए जाना है। वो अरे भाई वो सेफ में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो ले लो। तो मैंने ले लिए, और पैसे चाहिए। अच्छा बेगम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? और वैसे भी क्या सब चीजें आज ही खरीद लेनी है? मैं कर दूंगा कल पैसों का बंदोबस्त। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुझ पे एहसान कर रहे हो। घर में शादी है, खरीदारी करनी है, कपड़े हैं, 1000 खर्चे हैं। पापा पानी। शुक्रिया बेटा। लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? बस थोड़े बहुत कपड़े ले लेंगे बस। तुम तो चुप रहो ना, तुम्हें क्या पता? शादी कर रहे हैं तुम्हारी, को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, बंदोबस्त कर दूंगा मैं। पापा, आराम से जितना आपसे हो सके ना, बस उतना करिएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बीना के लिए खर्चा कर सकते हैं ना, तो तुम्हारे लिए भी कर सकते हैं। बेटी हो तुम इनकी। आप मुझे ये बताएं कि बीना की शादी के वक्त तो एक दफा भी नहीं कहा था कि कल पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। मुट्ठियां भर भर के पैसे खर्च हो रहे थे और घर में से ही पैसे निकल रहे थे। असल बात आ गई ना तुम्हारे मुंह पर। नहीं, इस औरत को बीना से क्या बैर है? मासूम के हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। मामा, बस बस, अब तुम भी अपने पापा की तरह लेक्चर देना शुरू ना कर देना मुझे। अरे कितने अरमान थे मेरे, सोचा था जहेज बनाऊंगी, एक से एक जोड़ा रखूंगी, दुनिया देख के दंग रह जाएगी, और ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। लेकिन ज्यादा खर्चा करने की जरूरत क्या है? और वैसे भी अजलान और मैंने मिल के सोचा है कि हम शादी पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, और अगर खर्चा करना भी है तो हम शादी के बाद अपने हनीमून पे करेंगे। तुम लोग अपने हनीमून पे जो चाहे खर्च करना, मेरे दिल के अरमान तो मैं पूरे करूंगी। बस